कर्ज लेकर गणेश जी की 110 मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार भरत सिंह प्रजापति का परिवार आर्थिक संकट में। विधायक आरिफ मसूद ने मूर्तिकार भरत सिंह प्रजापति के परिवार से मिलकर आर्थिक मदद दी। मूर्तिकार भरत सिंह प्रजापति का परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विधायक आरिफ मसूद ने मूर्तिकार के परिवार को आर्थिक मदद दी। विधायक आरिफ मसूद की विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले मूर्तिकार भरत सिंह प्रजापति द्वारा कर्जा लेकर 110 गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई गई थी। एक भी प्रतिमा नहीं बिकने के कारण परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बाप्पा, ये सिर्फ एक नाम नहीं, इमोशन है। हर साल गणेश उत्सव में हम बाप्पा को अपने घर लाते हैं। इस बार मैंने सोचा चलो वहां जाते हैं जहां बाप्पा बनकर आते हैं। मतलब सर, ये बीजेपी सरकार को, मतलब मेरे बाप दादा लोग इसी को पूछता है, इसी को वोट देता है। ये सर क्या कर दिया इन्होंने, कहने को मामा जी मेरा परिवार को मार दिया सर इन्होंने। देखिए छोटी छोटी मूर्तियां सर, मतलब बना रहा है, पानी गिर रहा है, हम लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं। इन लोगों ने सर, सरकार ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। और मेरा कुम्हार जाति के 1000 लोग हैं सर, क्या ये बीजेपी को वोट देंगे, आपसे पूछता हूँ। हम लोग भूखे मर रहे हैं सर, आज एक दिन बचा है सर, एक दिन। मेरा मूर्ति बिकी नहीं अभी एक भी, कहाँ लेके जाऊंगा बच्चों को। लेकिन सरकार ने सर बहुत बड़ा चोट करी, बहुत धोखा दिया हमारे साथ। पहले ही मना कर देते तो मूर्ति नहीं मंगाते, भीख मांग लेते हम लोग। बहुत दुख हो रहा है सर। हमने क्या कहा था पहले, क्या जी पहले क्या कहा था? पहले कहा था 4-5 फीट तक की मूर्तियाँ बना लो। बनाने के बाद हमने मूर्तियाँ बनाई सर इधर उधर से पैसा लेके। और आज ना देखिए, अब मना कर रहे हैं। अगर मूर्ति के लिए मना कर दिया तो हम लोग कहाँ बेचेंगे सर? आज सर बहुत बुरा किया ये सरकार ने। मतलब हम कांग्रेस होती ना सर, बोलो हमने कांग्रेस लोग वाले को सही बोलोगे सर, जियो जीने दो। ये लोगों ने मार डाला सर हम लोगों को, मतलब हिंदुओं को मार डाला। हिंदू की पार्टी हो गए, हिंदुओं को मार डाला सर इन्होंने। बताइए सर क्या करें, हम मर जाएं क्या करें? एक दिन बचा है सामान, कहाँ जाएंगे हम लोग? प्रजापति है सर, मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ, प्रजापति समाज का हूँ सर। पहले हम लोग बड़े बड़े नेताओं के पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि छोटी मूर्तियाँ बनाई, छोटी मूर्ति बिकेंगी। तो सर हम 3 महीने से इधर उधर से कर्जा लेके हमने मूर्तियाँ बनाई। और अभी एक हफ्ते पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या करा, उन्होंने मूर्तियों पे वैन लगा दिया सर, मूर्तियों पे वैन लगा दिया, हमारी मूर्तियाँ बिकी नहीं सर। आज हम रोड पे आ गए, खाने पीने से सर हम परेशान है, बहुत परेशान है। तो सर बहुत दिक्कत है, मुझे किसी ने बताया कि आप आरिफ मसूद जी यहाँ जाइए उनकी चौखट पे। तो सर मैं उनकी चौखट पे आया, आज उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। मेरे बच्चों की सर भूखे मरने की नौबत आ गई थी सर, आज उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे वो भगवान के रूप में मिले हैं सर, उन्होंने मुझे सहारा दिया। और भी ये भी कहा है, आगे परेशान मत हो ना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो सर मालिक उनको भगवान बहुत अच्छा रखे सर। और आगे चल से मैं यही कहूँगा सर, कांग्रेस मांग्रेस बीजेपी मैं नहीं जानता, लेकिन सर इंसानियत होनी चाहिए जो आरिफ मसूद जी के अंदर। सर उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा सर, और उन्होंने मेरी जेब में पैसे रख दिए। मेरा बच्चे बिल्कुल उनको सर कितनी दुआएं देंगे सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।